Calling Prime Minister Narendra Modi anti-people, the Aam Aadmi Party on Wednesday asked him to take responsibility for the hardships that people are facing due to the demonetization decision even after the expiry of the 50-day deadline. Addressing the media here in New Delhi, Aam Aadmi Party leader Ashutosh said that over 100 people lost their lives, while hundreds of thousands lost their livelihoods over the last 50 days since the demonetization announcement. जैसा आप लोगों को मालूम है कि नोटबंदी के आज 50 दिन पूरे हो गए हैं और इन 50 दिनों के अंदर जो हालत देश की हुई है उससे आप सब लोग अवगत हैं पिछले 50 दिनों के अंदर वो कह रहे हैं थोड़ी बहुत तकलीफ होगी क्या तकलीफें हुई मैं बता देता हूं आपको अब प्रधानमंत्री जी की नजर में ये थोड़ी बहुत तकलीफ है क्या तकलीफें हुई 100 से ज्यादा लोगों की जान गई एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला आज तक और अगर चिले में कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो प्रधानमंत्री जी फौरन ट्वीट कर देते हैं अखलाक के मसले पर वो एक शब्द नहीं बोलते नजीब के मसले पर वो एक शब्द नहीं बोलते गायब हो जाता है रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है उसके बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते तो हम मान के चलते थे कि वो बीजेपी अपनी मूल धारणा में दलित विरोधी है अल्पसंख्यक विरोधी है लेकिन जब देश के नागरिक 100 से ज्यादा नागरिकों की मृत्यु हो जाए नोटबंदी की वजह से उनकी अपनी कर्मी करनी और अपनी गलती की वजह से उस पर भी अगर प्रधानमंत्री जी ना बोलें संवेदना व्यक्त ना करें तो देश ये सवाल तो पूछेगा क्या आप नागरिक विरोधी भी हो गए INS रिपोर्ट